बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जॉइन विद सीमी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को विलेज की खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जो है जी वेदर की अपडेट, क्योंकि वेदर की अपडेट आप दोस्तों को बतानी ज़रूरी होती है। तो एक तो मैं ख़ुद भी जो है ना जी देखने के लिए एक्साइटेड होता हूँ। सूरज की कोशिश जारी है जी बादलों को तोड़ फोड़ के बाहर निकलने की, लेकिन यह है कि कुछ चांसेस बहुत कम हैं सूरज के, क्योंकि कल रात को जो है ना जी बड़ी सख्त बारिश हुई थी और आज भी मौसम जो है इस साइड से आसमान पूरा बीच बीच में क्लियर है, बीच बीच में बादल हैं इस साइड से, और जिधर से सूरज ने आना है ना ये साइड, ये सामने सूरज ये दिख रहा है इस साइड पे, तो कम्प्लीटली जो है ना जी बड़े गहरे बादल हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, अल्लाह के काम है, अल्लाह ही जाने जी। काम जारी है जी, मिस्त्री साहब आए हुए हैं, मिस्त्री साहब और एक मजदूर दो आदमी आए हुए हैं, मैं उन्हीं के साथ बिजी था। तो काम की क्या प्रोग्रेस है, क्या कर रहे हैं वो भी आप दोस्तों के साथ मैं नहीं शेयर कर सका। अभी ये है कि मार्केट में जा रहा हूँ, उन्होंने बोला है कुछ सामान लेके आने के लिए, कुछ सामान लेके आ जाऊँ, फिर उसके बाद जो है ना जी काम की क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ठंड हो चुकी है जी काफ़ी ज़्यादा। ये सबसे पहले जो है ना जी ये सीन देखो मेरे पीछे, माशाल्लाह ये देखो है ना ज़बरदस्त, ये देखो माशाल्लाह जी। ये वाली डोर फ्रेम जो है ना लगा दी गई है अभी टेम्परेरी जी, मंजूर कुलौंदा सा ये वाली लगा दी गई है, इसके साथ ऊपर रोशनदान भी, और ये वाली विंडो भी जो है ना ये अभी टेम्परेरी जस्ट फिक्स की है, इसमें बाद में मसाला वसाला डालेंगे। अभी ऊपर वाले रोशनदान को जो है ना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वो थोड़ा ऊपर एडजस्ट करके इसको ऊपर लगाएंगे, फिर बाद में ना वो आगे वाले का उसका काम करेंगे। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह आए हैं, सुबह में अपडेट देने में मुझे थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन यह है कि अभी जो है ये काम इतना हो चुका है। ये उसका रोशनदान है, वो आगे वाले का विंडो के ऊपर वाला, और ये जो है ये वॉशरूम का है, और ये भी दो जो हैं ये भी रोशनदान है, एक ये जो चौकाट है ना ये वो दूसरे वाले रूम की है, आगे वाले रूम की। बारिश स्टार्ट हो गई है जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, ठंड बनी हुई है, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, आसमान बिल्कुल काला स्याह हुआ पड़ा है, ये देखें ये बारिश के नज़ारे। ये और साथ में हमारा चल रहा है जी काम, एक रूम का ये रोशनदान वगैरह भी, विंडो भी ये भी लग गई है, अभी वो आगे वाले जो है ना जी उस रूम का कर रहे हैं। अच्छा जी, बारिश में ये एक तो ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा बन जाती है, लेकिन दूसरा ये हो जाता है कि ये जो होते हैं ना जी दरख्त वगैरह हर चीज़ में ना एक नई लहर आ जाती है, नई ताज़गी आ जाती है। ये देखो माशाल्लाह से हर चीज़ फ्रेश फ्रेश, ये धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन जैसे ही बारिश हुई है ना तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अच्छा जी ये नीचे ये देखो घोड़े छोड़े हैं, खचरे शचरे हैं, ये नीचे जो है ना जी चर रही हैं, अपना चारा खा रहे हैं। एक्चुअली ये लोग क्या है कि ये लोग हिजरत करते हैं, ये जो है ना जी बकरियां शकरियां ऐसे माल मवेशी चराने का ही काम करते हैं। अभी ये है कि ये पहले थे कागान वाली साइड पे, तो उस साइड पे अभी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है ना, तो अभी ये वहाँ से हिजरत कर रहे हैं, हिजरत करके ये हरिपुर वाली साइड पे उधर, क्योंकि मौसम जो होता है ना जी गर्म होता है। ये देखो माशाल्लाह से ये नीचे खच्चर है या घोड़ा है पता नहीं, लेकिन खच्चर ही होगी मेरे ख्याल से, कितनी खूबसूरत है, साथ में इसका छोटा सा बच्चा भी है। अच्छा ये लोग फिर हिजरत करते हैं उस साइड से जो है ना जी
गागान नरान वाली साइड से हिजरत करके ये लोग फिर हरिपुर वाली साइड पे, उस साइड पे हवेलियाँ वाली साइड पे, हरिपुर वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि उस साइड पे ये होता है कि मौसम इतना ज़्यादा जो है ना जी ठंडा नहीं होता। तो अभी टम्परेरी इन्होंने इधर जो है ना जी अपने खेमे वगैरह लगाए हुए हैं, ये दो खेमे लगाए हुए हैं, मेरे ख्याल से एक के अंदर बकरियाँ छकरियाँ होंगी और एक के अंदर ये लोग खुद रुकते हैं। ये लाइफ जो होती है ना, ये लाइफ भी बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन क्या है कि ये लोग जो होते हैं ना यूज़ टू हो जाते हैं। माशाल्लाह इस रूम का भी जो है जी विंडो और रोशनदान वगैरह और ये डोर की ये जो फ्रेम है ये फिक्स कर दी गई है। अभी लंच ब्रेक चल रहा है, उस रूम का तो ऑलरेडी पहले ही कर दिया था, और इसका इसलिए ये जो है ना ऊपर से थोड़ा काटना पड़ा, ये जो रोशनदान है ना ये नीचे से ना इसका ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया हुआ था, तो इन्होंने फिर कटिंग करके ना बराबर किया, अभी लेवल कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे खाने के बाद ही पता चलेगा कि नेक्स्ट ये लोग फिर क्या करेंगे। अच्छा जी, दो जो बेडरूम थे ना उनका काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये चौकाठें वगैरह अभी इनके अंदर भी ये जो है ना जी सीमेंट वगैरह फिल कर दी गई है, ये ऊपर ये रोशनदान है इसका, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से ये वाली विंडो और रोशनदान इसका भी काम जो है काम कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि फिलिंग कर दी गई है सीमेंट और रेत इसको फिक्स करके विंडोज़ को, रोशनदान को। अभी जो है ना जी मेरा काम ये है कि ये वाली जो रेत है ना, क्योंकि मिस्त्री साहब बोल के गए हैं कि दीवारों को पानी लगाना है, पूरी दीवारों को उतार करना है, सुबह प्लास्टर का काम होगा। अभी ये वाली रेत और वो आगे वाली रेत उसको उठा के ना मैंने इधर ये जगह मैंने साफ़ कर दी है, इधर डाल दूँगा। ये वाला इसका भी ये भी काम अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर भी ये सीमेंट और रेत को डाल के ना फिलिंग कर दी है, ये वाला ऊपर वाला रोशनदान भी और ये वाली विंडो भी, इनका भी काम कंप्लीट हो गया है। अभी मिस्त्री साहब तो चले गए, अभी जो है जी जो मेरा अपना काम है करने का, मैं वो काम करता हूँ रेत को उठा के थोड़ी थोड़ी वो वाली जो रेडी है ना वो एक टायर वाली उसमें डाल के बेलचे की मदद से फिर इधर कर दूँगा। फिर ये है कि सुबह ये पूरा एरिया है ना जो इसके ऊपर मैंने पानी मारना है, ये सुबह इंशाल्लाह जो है ना जी प्लास्टर का काम स्टार्ट हो जाएगा। ये आगे उस साइड पे रेडी है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं ये रेत को ना इसको इस साइड पे कर लेता हूँ। मौसम जो था ना आज पूरा दिन गड़बड़ी था, बारिश भी बीच में हुई है, अभी भी जो है जी बादल हैं, ज़्यादा घने तो नहीं है लेकिन हैं बादल ही, लेकिन ये है कि ज़बरदस्त किस्म का मौसम है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा मौसम है। अच्छा जी, मिस्त्री साहब चले गए थे 5:30 बजे और उन्होंने मेरे ज़िम्मे काम लगाया था कि दीवार के साथ जो रेत छान के उस दिन रखी थी ना उसको आगे कर देना है, क्योंकि सुबह जब भी मैं दीवारों के ऊपर पानी मारूंगा ना तो वो क्या होगा कि रेत जो होगी ना उसके साथ गीली हो जाएगी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसको आगे कर देना ताकि ये गीली ना हो। तो मैंने अपना काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, अभी तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं मुझे रेत हटाते, बजाय तो थोड़ी लग रही थी लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म कर दिया है। सुबह इंशाल्लाह मैं जो है ना जी अर्ली मॉर्निंग आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, आज क्योंकि बाहर थोड़ा अंधेरा है वो आपको दिखेगी नहीं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, फिर इंशाल्लाह कल आपके साथ मुलाकात।